हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज है मकर संक्रांति ब्लॉग और ये सुबह का टाइम हो रहा है, मिनिमम 6 बज रहे हैं। तो सारा सामान मैंने पहले से ही समेट के रख दिया था, तो अभी बस झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ आपको ब्लॉग में वो ही दिखाऊँ मैं सामान समेटते हुए, तो इसलिए मैंने पहले ही सारा सामान समेट दिया था। बस ये कपड़े रखे हैं बाल्टी में, जिनको मुझे तय कर लगा के अलमारी में लगाना है, तो अभी इतना फ़िलहाल टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया। बाद में आराम से बैठ के तसल्ली से कपड़े तय बना लूँगी। तो अभी बच्चों के कुछ कपड़े हैं जिनको मैं हाथ से धुलूँगी, आज मशीन नहीं लगाऊंगी। और ये अनिक नायसा के कपड़े हैं जिनको मैं सर्फ में भिगो रही हूँ। तो गाइस, आज है मकर संक्रांति और आज ये मकर संक्रांति का ही ब्लॉग है। हैप्पी मकर संक्रांति, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। तो गाइस, ये मॉर्निंग का भी टाइम, मॉर्निंग का ये ब्लॉग है। तो मैं यहाँ पे अब मशीन का पाइप निकाल रही हूँ, क्योंकि कल मशीन लगाई थी जिसकी वजह से ये पाइप वगैरह नहीं निकाल पाई, काम में इतना बिजी हो गई थी। इसको निकालने के बाद साइड में रख देते हैं तो जगह बच जाती है थोड़ा निकलने के लिए। तो इसके करने के बाद फिर मैं आगे वाला रूम है उसकी सफाई करूँगी। तो गाइस, रूम की सफाई हो चुकी है, अभी बालकनी में आ गई हूँ। ये उस दिन सकट चौथ थी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदा हो गया है, तो बस झाड़ू लगा देती हूँ। धुलाई तो अभी काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो यहाँ पे हफ्ते में एक ही बार मैं बालकनी धोती हूँ। गर्मियों में तो मोस्टली डेली ही धोती हूँ, क्योंकि धूल इतनी आ जाती है, आंधी वगैरह हवा इतनी चलती है, तो अभी मैं ठंड की वजह से डेली नहीं धोती हूँ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान भी फैल गया था, पूजा वगैरह करी थी तो उसकी वजह से समेट नहीं पाए थे। तो यहाँ पे मैं पूरा सामान समेट के रूम में अंदर रख आऊँगी, फिर उसके बाद यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के फिर यहाँ पे धुलाई करूँगी। अभी जो ये पाटे हैं इनको साफ़ करके अंदर रख दूँगी। तो गाइस, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करा करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपका दिन कैसे निकलता है। आप लोग भी अपनी बातें मेरे साथ शेयर करें। तो गाइस, अभी खाना बनेगा, नहाने के बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। आज मेरी चाची आई हुई हैं, चाची सास हैं, वो सारे लोग आए हुए हैं, तो मुझे ज़्यादा किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोग ही सारा काम कर लेते हैं, मेरी मम्मी जी वगैरह, क्योंकि दही बड़े वगैरह और मूंग की भजी वगैरह बनते हैं, तो मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमेशा से ही वही लोग बनाते हैं। और ऊपर के जो काम हैं वो मैं थोड़े बहुत कर लेती हूँ।
अभी मैं पोछा लगा रही हूँ और विंडो भी डेली के डेली साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि धूल आ ही जाती है, कितना भी कांच बंद रहता है, क्योंकि सामने अभी एक घर बन रहा है तो जिसकी वजह से काफ़ी धूल आ जाती है। तो आज मैं उस डंडे वाले पोछे से नहीं लगा रही हूँ, बैठ के ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि घर थोड़ा मुझे गंदा लगा इसीलिए। तो गाइस मैंने पोछा लगा के नहा ली हूँ और अभी अपने रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने आज सिर धोया है क्योंकि पूजा करनी है इसलिए। तो अब मैं सीधे मंदिर में जाऊंगी और यहाँ पे एक मॉइस्चराइज़र है जो कि आप लोग भी जानते हैं, मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र वो निविया क्रीम है, जो कि मैं उसी को ही अप्लाई करती हूँ और मुझे शुरू से ही विंटर के मौसम में वो ही पसंद आती है। तो अभी मैं पूजा मंदिर में जा रही हूँ जहाँ भगवान जी को स्नान कराऊँगी और फिर सारे फ़ोटुओं को पोछूंगी, क्योंकि ये डेली का ही मेरा रूटीन है। अगर कुछ भी काम करूं ना करूं, मेरा ये ज़रूर रहता है कि सुबह को मैं 10 से 15 मिनट अपने भगवान को ज़रूर दूं, उनकी प्रार्थना करूं और थोड़ी बहुत उनके लिए टाइम दूं। तो वैसे मॉर्निंग में पूजा वगैरह मैं ही करती हूँ, मम्मी जी बहुत कम ही कर पाती हैं और मैं ही हमेशा करती हूँ। तो अभी माला वगैरह लेके आए हैं पापा जी, तो मैं वो चढ़ा रही हूँ भगवान जी को, अभी इनको स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद फिर मैं भोग वगैरह लगा के आरती वगैरह करके फिर नीचे जाऊंगी, नीचे देखूंगी कि अभी मुझे क्या काम करना है। तो गाइस यहाँ पे दीपक वगैरह मैंने लगा दिया है और मैं ये लड्डू मेरी मम्मी जी ऊपर से बना के लेके आई थी, तो बोली भगवान जी को भोग लगा दो, तो मैंने कहा सारों का ही भोग लगा देती हूँ, वैसे वो मजाक कर रही थी। और मैं यहाँ पे सबके लिए भोग अलग अलग लड्डू लगा दूँगी, यहाँ तिल के लड्डू बनाए हैं और बहुत सारे लड्डू बनाए हैं और यहाँ पर मैंने पूजा कर दी है। कुबेर सुरेश शमीरा रमत सनम खुदर कहूँ न धीर सुफल मनोरथ हमारे राम लखन सुन भये सुखारे बोलो सियावर रामचंद्र की जय महापति महादेव की जय। गाइस ये मेरी ननद है जिनकी अभी शादी हुई है, तो मैं पूजा का पूरा सामान मतलब सीधा मैं निकालती हूँ तो अपने कोई मान पक्ष को ही देती हूँ, तो मैंने यहाँ पे सीधा दे दिया था और दक्षिणा रखना भूल गई थी। तो मैं सारे पर्स में देख रही हूँ पैसे किसी में मिल जाए, तो वो मजाक कर रही हैं कि भाभी बड़ा नोट निकालिए बड़ा नोट निकालिए, तो उनके नसीब से बड़ा ही नोट निकला है। तो गाइस अब हम नीचे चलते हैं और नीचे चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मेरी चाची है जो कि अभी दही बड़ा बना रही हैं और मेरी मम्मी जी बर्तन धो रही हैं, मैं मना करती जा रही हूँ फिर भी वो नहीं मान रही है, फिर मैं उनको अभी हटा दूँगी। तो यहाँ पे दही बड़े बना रही हैं मेरी चाची, क्योंकि ये चीज़ें वो मुझे नहीं बनाने देती कि तुमसे नहीं बनेंगे, तो इसलिए हमेशा से वो ही बनाती आई हैं। वो इसलिए डरती है कि कहीं तुम जल ना जाओ, तेल इतना सारा है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा चाची बनाने दो, मैं उनसे बातें कर रही हूँ, फिर भी वो नहीं हट रही हैं। फिर मैं मम्मी जी को अभी हटा देती हूँ, बर्तन मैं खुद धोऊंगी। हमारे यहाँ पे अलग तरीके से होती है ये सारी चीज़ें, पूड़ी सब्जी खीर वगैरह बनती है, आज खिचड़ी ज़रूर बनाई जाती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ शाम को खिचड़ी बनाई जाएगी। और मैं यहाँ चाची से बातें करने में लगी हूँ, क्योंकि चाची इतने टाइम बाद आती हैं, 15-15 दिन बाद। चाची से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जिनसे माँ जैसी बिल्कुल फीलिंग आती, तो हर तरह की बातें, तो सब लोग हंसते भी हैं कि दोनों रुकती नहीं है ये लोग जब बात करने में आती, तो हम लोग अपनी अपनी बातें करे पड़े हैं यहाँ पे। तो बर्तन धोने के बाद फिर चाची बोलती हूँ पहले तुम खा लो, हमेशा का ही उनका ऐसा है कि जब वो खाना बनाती है तो सबसे पहले मुझे ही बोलती हूँ, किसी को और किसी को नहीं बोलेंगी कि हाँ पहले तू खा ले तुझे भूख लगी होगी भूख। मैंने कहा नहीं चाची मुझे भूख नहीं लगी है। तो गाइस खाना खाते टाइम मैं आप लोगों को वो वीडियो नहीं शूट कर पाई, भूल गई थी, और फिर जब इतने सारे घर में लोग होते हैं तो थोड़ा स्किप हो जाता है, भूल जाती हूँ, तो वो वीडियो थोड़ा लेना भूल गई थी। बस खाने का मैंने थोड़ा सा लिया है, तो आप लोगों को दिखा दूंगी आज क्या क्या बना है खाने में।
तो गाइस यहाँ खाने में पूड़ी बनी है, दही बड़े बने हैं और मूंग की पकौड़ी बनी है और बैंगन की सब्जी बनी है, जो कि खीर मैं यहाँ पे रखना भूल गई हूँ। तो गाइस ये हमारा मकर संक्रांति का खाना बना है। तो गाइस आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, इस ब्लॉग को आप लोग इन्जॉय करो। तो गाइस अब यही मैं स्टॉप करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय, हैप्पी मकर संक्रांति।